हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैडर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि एक रिक्वेस्ट टॉपिक, अगेन जो रिक्वेस्ट टॉपिक ले रही हूँ उसमें है कि वो कैसे टाइप के इंसान है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसे है, वो चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनकी वजह से इस रीडिंग तक आप आए हो, वो इंसान कैसे है। नाइन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, एनर्जी का भी परफेक्ट है ना। ओके, डेथ, ओके, इंट्यूशन, इज ऑफ सॉर्ट, इंटरेस्टिंग पर्सन, और पेज ऑफ पेंटिकल। सो इस रीडिंग तक ही आप आए हो इसके लिए, क्योंकि ये पर्सन ही ऐसे हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी में सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब जो मुझे पहले तो फील हुआ, ये पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो जो भी जैसे भी हैं आपके लिए बने हैं, ऐसा वाली फीलिंग, मतलब आपको मिलना ही था, तो वो चीज़ है। और ये पर्सन है ना, ये पर्सन अपने पसंदीदा इंसान है। यस, ये पर्सन अपने आप को बहुत मानते हैं, अपने आप को ग्रूम अप रखना, अपने आप में एक, मतलब जो भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, ऑफकोर्स फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करने की इच्छा रहती है हमेशा कि यार ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। बट सबसे बड़ी चीज़ इनको क्या लगती है कि कुछ मतलब अच्छा दिखना है, अच्छा इनको लाइक मे बी लाइक ना जो भी जैसे है, बट उनको कार, बाइक्स और व्हीकल्स लाइक ना एकदम थोड़ा अच्छा रहना पसंद है, बहुत डिसेंसी मतलब अच्छे से रहना पसंद है, अपने आप के फेवरेट जैसे फील हो रहा है। कुछ लोग ना लिटरली अपने आप बोलते होंगे मैं अच्छा दिखता हूँ या अच्छी दिखती हूँ, मेरे से ना सेल्फ ऑब्सेस थोड़ा सा है, थोड़ा सा कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग तो है ही है, मतलब जैसे भी है। दूसरा चीज़ मैं कह रहा था कि आपसे ये उम्र में छोटे हो सकते हैं, या फिर इनकी एनर्जी में ना हमेशा मैच्योरिटी नज़र आएगी। कोई भी डिसीजन है ना, ये ऐसे ऐसे फटाक से ले ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, स्पेशली अगर फाइनेंसेस की बात हो। इनको मतलब एक मिनट में डिसीजन लेना है सवाल ही नहीं पैदा, कभी भी नहीं। इनके कोई भी डिसीजंस, कोई भी बात है ना, कभी भी इतना आसानी से आप, मतलब आपको कहीं डेट पे जाना है, गिफ्ट खरीदना है, कुछ है, इनको आप पूछेंगे ना, एक मिनट में इनका आंसर या एक चॉइस में इनका आंसर कभी होगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, वैसा है, ये ऐसा हो सकता है, वैसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें लाइक ना कोई भी चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं ना, जैसे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ऐसा क्या हो सकता है, वैसा क्या हो सकता है, हज़ार चीज़ें सोचेंगे। मतलब ये इंसान एक जो अच्छी चीज़ है कि सोच समझ के कोई भी कदम उठाने वाले इंसान है। ये इंसान आपको कहीं पे जैसे ना स्कूल कॉलेज में मिले होंगे या फिर वर्क प्लेस में मिले होंगे, चांसेस होंगे वर्क प्लेस पे। और मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा लगता ना कि जैसे भले आप लोगों ने स्कूल कॉलेज एक साथ किया है या ऑफिस में साथ में थे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा गैप है, या तो एज गैप है, या तो ये फाइनेंशियल गैप है, लेकिन मैच्योरिटी का गैप है, एज या मैच्योरिटी का गैप है। इनकी एनर्जी मतलब ये ना बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान है, टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन इनकी ना इमैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ये फटाक से कोई भी चीज़ है ना एकदम सोच समझ के करना ही है, ये है, मतलब कभी कभी एकदम बहुत ज़्यादा जिद पे आ जाते हैं, या फिर कोई भी चीज़ को जो करना है तो मन कर रहा है इसलिए करना है, बट वो सारी चीज़ें ना जो फाइनेंसेस या इम्पोर्टेंट लाइफ के डिसीजन,
उसमें कभी भी मन कर रहे वाली चीज़ नहीं होते, तभी वो इमोशनल कभी नहीं होते, प्रैक्टिकली रहते हैं। दूसरा चीज़ है ना, ये पर्सन, अगर आपको लगता है ना कि ये पर्सन मतलब ऐसा नहीं है, तो चांसेस आ गया कि ये अभी नहीं है, एक वक्त के बाद लोग बदलते हुए दिखेंगे, या फिर ये पहले ऐसे थे, अभी ये बदल चुके हैं, क्योंकि पहले अगर ये इमैच्योर थे, अभी मैच्योरिटी है उनमें, भले कितना भी परसेंटेज शायद कम हो, लेकिन है तो सही। अगर नहीं है तो इन फ्यूचर होने वाली है, होगी ज़रूर। अच्छी बात है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं। अगर ये चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले पर्सन है ना, तो डेफिनेटली इनकी ग्रोथ फास्ट है। अगर ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई भी चीज़ों का, लाइक ना लाइफ जो भी अपॉर्चुनिटीज देती है, चेंजेस देती है, मुश्किल देती है, वो सारी अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, तो इनके लिए मुश्किल है, इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्स तो उनको बदल के रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन इनकी एनर्जी में है, सबके में होता है, पर इनकी एनर्जी में जो एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन या रिश्ते के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, जब तक वो नहीं होता, यूनिवर्स उनको छोड़ेगा नहीं, यूनिवर्स इनको छोड़ेगा। ये पर्सन को ना गिफ्ट देना या गिफ्ट लेना बहुत पसंद है, स्पेशली सरप्राइज गिफ्ट बहुत पसंद है, या फिर ये ना सरप्राइज गिफ्ट देते भी होंगे, ये भी हो सकता है। मतलब जब भी आते हैं ना, कुछ तो कुछ लेके आते हैं, या कुछ है, या फिर उनको सरप्राइज गिफ्ट अच्छा लगता है, वो पॉसिबिलिटीज हैं। इनको ना हमेशा ना बात क्लियर चाहिए, अगर आप घुमा फिरा के बात करते ना, ये बहुत चिढ़ जाते हैं, बहुत चिढ़ जाते हैं, कि अगर आप बात बात पे शक करते हो, बात बात पे अगर आर्ग्यूमेंट करते ना, इनको पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये इंसान उतना सुलझा हुआ नहीं है, इनको गोल मोटोल बातें करना पसंद नहीं है, या सुनना पसंद नहीं है, जो भी है जैसे बोलो। लेकिन जब इनकी बात आती है ना क्लैरिटी देने की, ये इतना आसानी से नहीं दे पाते। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये झूठ बोलना चाहते हैं, ये झूठ नहीं बोलना चाहते, इसके लिए ये सोच समझ के आंसर देने के लिए ये वक्त मांगते हैं या वक्त लेते हैं। इन्हें नहीं पसंद, स्पेशली आपसे झूठ बोलना इसलिए पसंद है क्योंकि पसंद नहीं है, क्योंकि ये आपको ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, लेकिन ये आपको जानबूझ के चीट करना या जानबूझ के हर्ट करना, ये पहले कभी पसंद नहीं करता। अगर हुआ भी है, जानबूझ के नहीं हुआ है, माय कॉमन वर्ड्स, कि ये जानबूझ के नहीं हुआ है, ये हो गया था, इस बात का रियलाइजेशन इनको है, क्योंकि ये ना जो भी है ना, इनकी एनर्जी में भले ही मैच्योरिटी है, लेकिन ऐसा इंसान नहीं है कि जो जानबूझ के किसी को हर्ट करे। ये सिर्फ आपको ही नहीं, जानबूझ के किसी को हर्ट करना ये एनर्जी नहीं है। अगेन कुछ लोगों के सवाल होते हैं, फिर हमारे पर्सन तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो है, फिर ये पर्सन वो नहीं है, जिनकी रीडिंग हो रही है वो पर्सन ये नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, दिख रही है, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा है तो सही मैच्योर, जो भी है उनका एक कर्मा का पार्ट था, जो होना था, जो भी है, बट ये दिल से अच्छे हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, और दिल से जो अच्छा है ना, ये सिर्फ आपके लिए अच्छे नहीं है, ये दिल से सबके लिए अच्छे हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार जैसे कहते हैं, बहुत है, दोस्त इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, और ये भी दोस्तों के लिए बहुत कुछ करते होंगे, और अपनों के लिए भी। हालांकि जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो ये लिटरली से ना मतलब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते होंगे, इनको पसंद नहीं है, या फिर ये ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते होंगे, मतलब अपने आप को प्रूव करने की या अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते होंगे। जैसे एक बचपना होता है ना कि नहीं मैं ही सही हूँ, और ये चीज़ है, ये चीज़ है। सो और ये हाँ, एक चीज़ है कि ये ना बहुत सारी बातें छुपाते हैं। ये पर्सन हाईली इंटिटिव भी है, इंटेलिजेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन ये बहुत सारी बातें छुपाते हैं, बहुत सारी बातें, इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, इनको मतलब इनको भी ड्रीम्स आते हैं, एंजल नंबर दिखते हैं, सब कुछ है, लेकिन इस इंसान का प्रॉब्लम ये है कि वो इंसान है ना, अभी तक वो लेवल नहीं आया है, या फिर ये सब बातें इनको पता है, ये आपको नहीं पता है अभी तक, ये आपसे छुपाया गया है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव है अपनी लाइफ के बारे में। मतलब अगर आप लोग का रिलेशन था या है भी ना, किसी को नहीं पता होगा, खास से खास दोस्तों में भी नहीं पता होगा। मतलब अगर बात करते होंगे ना कि वो मुझे अच्छी लगती है, या वो मुझे अच्छा लगता है, वो बहुत ऐसा था वैसा था, लेकिन वो कौन है, क्या है, किसी को नहीं पता, कौन पर्सन है,
क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है, क्या हो क्या, कुछ भी नहीं पता. ये हो सकता है, ये हाईली सिक्रेटिव पर्सन है और बहुत इंट्यूटिव भी है. उनको भी ड्रीम्स आते हैं इंट्यूटिव, लेकिन शायद इनको अंदाज़ा नहीं है सब क्या है, कैसे होता है, या फिर अभी तक जैसे मैंने कहा ना, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है या ऑलरेडी इन प्रोसेस है. तो अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये होगा ज़रूर, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी फील हो रही है ना, ये होगा ज़रूर. इनकी बर्थ डेट है ना 13 हो सकती है, 5 हो सकती है, मतलब 5 रिलेटेड, 5, 14 वगैरह. 13 पर्टिकुलर है क्योंकि ये है. 2 नंबर एक हो सकता है, 11 बर्थ डेट हो सकती है, और 9, 18, 27 हो सकती है, 6, 15, 24 हो सकती है, 7 की भी एंट्री है, 1 रिलेटेड भी, 1, 10, 19 एंड 28 भी हो सकती है. सो जो भी है इंसान है तो बहुत अच्छे, बट हालात ही इंसान को बदल देता है, मजबूर कर देता है कभी कभी झूठ बोलने पर. लेकिन एक होता है कि इंसान झूठा हो सकता है, लेकिन बुरा जो ना दिल से बुरा वो अलग चीज़ अलग है. ये इंसान झूठे से ज़्यादा ना, ये झूठ भी बोलते हैं ना, इनको खुद को बुरा लगता होगा. लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं है ना, या क्लियर नहीं करना है, तो तब तक ये इंसान सच नहीं बोलना, कुछ बोलेंगे ही नहीं. सो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब इनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. मतलब इनका बात करने का ढंग, इनका स्पेशली ड्रेसिंग सेंस, मतलब लुक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. अगेन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मैंने कहा था ना, ये है. और इनको देखते ही आपको ऐसा लगा ना कि इनको कहीं मिले हैं हम, मतलब देर इज़ समथिंग बिटवीन अस, लाइक कुछ नहीं है. शायद एकदम शुरू में नहीं लगा होगा, बट अभी भी अभी आपको ऐसा लगता ना कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है इंसान में. ये इंसान जिस तरह से है ना, वो क्यों पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से हम पहले मिले हैं, या क्या कनेक्शन है पता नहीं, बट है तो सही. फाइनेंसिस करियर, मैंने कहा ना कि ये इंसान फाइनेंसिस करियर को इम्पोर्टेंस देने वाला, और फाइनेंशियली इंडिपेंड रहना, अपने आप को, मतलब जो भी परिस्थिति है, अपने आप को ग्रो करते रहना, अपने आप को वैसे एकदम क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस मेंटेन करना वगैरह इनको पसंद है. एंड दिस कुड बी द वन. सो ये इंसान वही है जो आपके लिए बने हैं, जिनकी तलाश आपको थी, वो भी हो सकते हैं. सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना, वो आपके जो ख्यालों के जो राजकुमारी या राजकुमारी होगी ना, वैसे हैं एग्जैक्टली नहीं, बट आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि यही है, ऐसे ही है, ऐसा होना चाहिए ऐसा इंसान मेरी लाइफ में, तो वो वैसे है, जैसे भी है. मतलब जैसे मतलब ना, झूठ बोलते होंगे और डांटते होंगे, गुस्सा करते होंगे, इमैच्योर बिहेव करते होंगे, ये सारे प्रॉब्लम भी हैं, लेकिन ये बदलेंगे और तभी रियलाइज होगा ये यही पर्सन है जिनकी तलाश आपको थी. क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी मुझे फील हो रही है. तो हर टाइम एनर्जी डिफरेंट होती है, तो हम हर महीने ये रीडिंग लेंगे, तो इस महीने की एनर्जी में ऐसा आया है, तो बहुत पॉजिटिव लगा मुझे, बहुत पॉजिटिव, क्योंकि इंसान बदलना ही इम्पॉर्टेंट है. जो जैसा है पहले तो उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके बाद उसको बदलना भी होता है, फॉर द पॉजिटिव चेंज. पॉजिटिव चेंज वही चीज़ है. तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलें. पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.